सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ नया सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो क्या कंसेप्ट है कि आपको मेंस के क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इनफैक्ट एडवांस पे उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उससे पहले कंसेप्ट की शुरुआत अपन ऐसे करेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। अब एक बार एक स्क्रीन पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को तरीके से रीड कर लो, फिर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। वो देखो, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। दिया क्या है? म्यू वन एक नेगेटिवली चार्ज है जिसका चार्ज क्यू, और इन दोनों का मतलब ये इसका चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड ई के बराबर है। पार्टिकल विथ अ मास एम यू, मास इज द एम यू इज द मास ऑफ म्यूऑन, ठीक है, जो कि 200 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर म्यू माइनस बाउंड टू अ प्रोटोन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक एटम। कुल मिला के बोहर क्वांटाइजेशन यहाँ वैलिड है। बोहर के जो एटॉमिक मॉडल था हाइड्रोजन के लिए वो यहाँ पर वैलिड है। इस लाइन का ये मतलब है, लिखा गया है ना, ये बाउंड टू अ प्रोटोन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो अपने से आगे बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन से, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो देखते जाओ। दिया गया सबसे पहले रेडियस ऑफ म्यूनिक ऑर्बिट इज 200 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, रेडियस एन स्क्वायर बाय जेड आ रहा है रेडियस में। सबसे पहली बात तो आपको ये तो नेसेसरीली याद ही होने चाहिए, ये रिलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। हालांकि इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन पहले ये याद करवाता हूँ। चलो मैं आपको, देखो दिया गया वेलोसिटी यानी वी एन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनथ ऑर्बिट। ठीक है, ये डाटा है, आपको याद होना चाहिए। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, मेनली ये ज्यादा रिलेशन काम में आता है। यानी ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। जेड यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर। एम यहाँ पर क्या है? एन। एन यहाँ पर क्या है? एनथ ऑर्बिट। तो अपन कैसे याद करेंगे इसको? वजन, वजन यानी वेट। तो वजन इसकी बात हुई। अब ये आपको, ये तो एटलीस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, और यूनिट का ध्यान रखना। रेडियस की बात करें तो रेंज आर एन जेड रेंज, और ये यूनिट ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम रहती है इसकी यूनिट 0.59। आप जैसे जैसे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद होती जाएगी। मेन याद रखनी है रेंज, वी से हो गया वजन, इसकी होगी यूनिट वजन। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी की। अब देखना, जो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसमें आता है वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर कर दो, यानी कि जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा इसमें। देखो आ भी रहा है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बाकी यूनिट और ये जो डाटा है 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में खैर ये वैल्यूज तो काम में नहीं आएगी, लेकिन अब समझना, ये अगर आपको याद हो जाए तो मैं आपको तीन बातें और याद कराने वाला हूँ इसकी, जिससे अगर आपके सामने फिर से अगर ये क्वेश्चन आएगा। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था एडवांस में, फिर ये 2018 में एक बार मेंस में भी रिपीट हुआ है, तो हो सकता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए। मेंस में ये रिपीट होने के चांस ज्यादा रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखते जाओ, देखो जो वेलोसिटी रहती है, अब यहाँ पर रेडियस अटक रहा है म्यूनिक, यानी देखो मास में चेंज लाया है, लेकिन यहाँ पर मास का तो कोई रिलेशन नहीं है, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात करी थी अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसके मास का तो रिलेशन नहीं है, तो इन सब के अपन मास एंड चार्ज के रिलेशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में मास बदला है। हो सकता है जब आपका पेपर आए तो उसमें चार्ज बदल दे, मास एज इट इज रहे। देखो चार्ज चार्ज एज इट इज है, मास को 200 टाइम्स कराए। तो देखते जाओ, जो वेलोसिटी रहती है ना अपनी एनथ ऑर्बिट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है एनर्जी का होल स्क्वायर, मास से इंडिपेंडेंट है। रेडियस जो रहती है, रेडियस अपनी रहती है 1/me² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी जो रहती है, ठीक है, एनर्जी अपनी क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई टू द पावर 4। आपको ये तीन बातें याद रखनी है, ये तो आपको तीन बातें ऊपर वाली नेसेसरी याद रहनी चाहिए। साथ ही आप ये भी बातें ध्यान रखो, वेलोसिटी रेडियस एनर्जी। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ई स्क्वायर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई टू द पावर 4। अब देखो कैसे क्वेश्चन खटखट सॉल्व होता है इससे। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूँ आपके लिए। देखो देखो, वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ई स्क्वायर के। ओ एक सेकंड,
तो यहाँ पर मैंने ई स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब नहीं है, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम ई स्क्वायर के। देखो सबसे पहला ऑप्शन में रेडियस ही पूछी अपने से, नेक्स्ट है अपनी एनर्जी, एनर्जी अपनी एम ई टू द पावर फोर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगी, बहुत ज्यादा जरूरी है ये याद रखना, वरना इनके एक्सप्रेशन जो रहते हैं बहुत लंबे लंबे रहते हैं, उनमें ढेर सारे एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट रहते हैं, पाए ऐसी वैल्यूज रहती है उनकी। तो उनमें से अपन ने क्या निचोड़ निकाल लिया कि एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मास के रिलेशन जरूर याद रखने, मतलब कुल मिला के अपने को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब देखो रेडियस ऑफ म्यूनिक इज 200 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो अपन कंपेयर करते हैं भाई, रेडियस ऑफ म्यूनिक अपन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो रेडियस क्या है, 1/ME². देखो एक बार स्क्रीन पॉज करके आप खुद से एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व जरूर करना, आपको मैंने रिलेशन बताई दी है। देखो 1/ME², मास, और देखो मास की बात करें तो मास हो चुका है 200 टाइम्स, तो अपन क्या करते हैं एम मान लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा 200 m। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो एज इट इज है ना, क्यू इक्वल्स टू ई, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपन लिखते ही नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो अपन ने एम माना है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आर ऑफ म्यू की क्या वैल्यू आती है, आर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 200 टाइम्स। यानी फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन देखें क्या बोला है कि रेडियस ऑफ म्यूनिक ऑर्बिट इज 200 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना सही है, देखो 200 टाइम्स स्मॉलर है, ये अपना डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपना बोला है द स्पीड ऑफ म्यूनिक इन द nth ऑर्बिट इज 1/200 टाइम्स देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। देखो क्या है यहाँ पर वेलोसिटी का रिलेशन, स्पीड यानी वेलोसिटी, भाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर है, मास की कहीं बात नहीं करेगी ये, क्योंकि मास चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो मेंस ने क्वेश्चन पूछा उसमें उसने मास चेंज किया है, मेंस ने क्वेश्चन पूछा उसने उसमें मास चेंज किया है, तो लेकिन ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर है, मास से इंडिपेंडेंट है, और ये कह रहे हैं कि 1/200 टाइम्स हो जाता है, तो ये तो फॉल्स है, ये वाला नहीं होगा। हाँ अगर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में अगर ये चेंज लाते तो फिर अपन इसे चेक करते, तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है अब अगले क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला हो उसमें ये चार चेंज कर दे, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ ये याद जरूर रखना, ई स्क्वायर 1/ME² एम ई टू द पावर 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते मतलब अगले ऑप्शन पे, द आयनाइजेशन ऑफ म्यूनिक एटम इज 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी के डायरेक्टली रहता है, मतलब जो एनर्जी इधर एम ई टू द पावर 4, मतलब जो ये रिलेशन है जिसके ये प्रोपोर्शनल है, वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी खेलती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ म्यूनिक अपनी क्या होगी me^4। अब m इसका क्या है, 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन e², चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, अपॉन ie मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास तो उसका एज इट इज, चार्ज e माना है, तो ये क्या आया कि आई एन ऑफ म्यूनिक इज इक्वल्स टू आई एन ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में 200, तो देखो ये 200 टाइम्स आई है इसके इलेक्ट्रॉन के, तो अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपन ये करते हैं, द मोमेंटम ऑफ म्यून इज इन द nth ऑर्बिट इज 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम क्या रहता है, एम वी मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो एम वी अब वेलोसिटी, अब रिलेशन सोचना, वेलोसिटी तो अपनी ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, बचा क्या अपना मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसलिए अपन वेलोसिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, अपन खाली ध्यान दे रहे मास पे क्योंकि उसमें चेंज आ रहा है। अब म्यून का है मास 200 टाइम्स, तो देखो उसका मोमेंटम भी 200 टाइम्स हो जाएगा, तो लिखा क्या है कि द मोमेंटम ऑफ म्यून इन द nth ऑर्बिट इज 200 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना सही हो जाता है, ठीक है। तो बस यही था आपने आज के सेशन में, ये आपको रिलेशन याद रहने चाहिए, वरना आप अगर कहां तक निकालने बैठोगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन अटक गया मान लो, आ ही गया, रिपीट तो होता ही है मेंस में, तो फिर आपको बड़े बड़े एक्सप्रेशन निकालने पड़ेंगे, याद भी नहीं कर सकते उन एक्सप्रेशन को, छोटी सी बात है
जेड बायन वजन इसकी ट्रिक बताई दी, रेंज इसकी ट्रिक हो ही गई, ठीक है। एनर्जी आप प्रैक्टिस कर लेना, एनर्जी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसको, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये डाटा याद हो जाएगा। 0.59, 2.182 × 10⁶, बाकी ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ई स्क्वायर, ठीक है, VRE, वरी इसकी ट्रिक है, वरी, तो वरी का सबसे पहले आता है ई स्क्वायर 1/ME² एनर्जी के लिए हो जाता है ME⁴। दैट्स ऑल, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। थैंक्स।